ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ನಾಂದೇಡ್ ನಾಮ ಕೆ ಗಾಂವ್ ಮೇ ರಂಗಧಾಮ್ ನಾಮ ಕಾ ಏಕ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ರಹತಾ ಥಾ. ವೋ ಬಹುತ್ ಲಾಲಚಿ ಥಾ. ನಾಂದೇಡ್ ಗಾಂವ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಏಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹುವಾ ಥಾ. ಉಸ್ನೆ ಉಸ್ ಜಮೀನ್ ಕೋ ಉಸ್ ಗಾಂವ್ ಕೆ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಗುಪ್ತಾ ಕೋ ಲೀಸ್ ಮೇ ದೇ ದಿಯಾ ಔರ್ ಬದಲೆ ಮೇ ಗುಪ್ತಾ ಸೇ ಪೈಸೆ ಲಿಯೇ. 6 महीने में एक बार सरकार द्वारा उस गांव के बच्चों के लिए क्रिकेट किट भेजा जाता था. रंगदाम उन किट्स को भी स्पोर्ट्स दुकानदार को बेच देता था. नांदेड़ गांव वाले इस बात से अनजान थे. एक दिन रंगदाम की पत्नी मेनका, आप ये सब क्या कर रहे हैं? सरकार ने जो बच्चों के लिए भेजा है उसका यूं बेचना बहुत गलत है. ऐसा ही चलता रहा तो अपने देश में क्रिकेटर्स की कैसे तैयारी होंगे? अपने देश की तरफ से कौन खेलेगा? आप अपने बबलू को ही देख लीजिए, वो कितना बढ़िया क्रिकेट खेलता है. आपकी इन हरकतों की वजह से अच्छे क्रिकेटर्स कैसे उभरेंगे? अरे पगली, इस छोटी सी उम्र में बच्चों को क्रिकेट ग्राउंड, बैट, पैड्स, बॉल, विकेट्स, सब इनकी आदत नहीं डालनी चाहिए. जानती हो, बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं अपने गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे. यही तो वजह है कि उनका स्ट्रेट ड्राइव बहुत बढ़िया होता है. वो निशाना साध कर बॉल जहां मारना है वहीं मारते हैं, और बॉलर सीधा विकेट पर बॉल डालते हैं, वाइड नहीं डालते. ये सब हुनर उनका गली क्रिकेट में खेलने की वजह से ही हुआ है. इसीलिए गांव के बच्चों की भलाई के लिए ही मैं ऐसा कर रहा हूँ. मैंने कहा, सिर पकड़ कर बैठ गई. अगले दिन सवेरे रंगदाम अपने घर के चौखट के पास आया. अरे भगवान, मेरे चप्पल कहाँ हैं? 3 जोड़ी चप्पल रखे थे, अब एक भी नजर नहीं आ रहा. कहीं कुत्ते उठाकर तो नहीं ले गए? कुत्ते नहीं, अपना बेटा बबलू है ना, वो कह रहा था कि इन चप्पलों से कोई काम है और ले गया. रंगदाम की समझ में कुछ नहीं आया. उन चप्पलों को ले जाकर बबलू बस्ती के बच्चे किट्टू और चिन्नू के साथ मिलकर विकेट्स बनाने लगा. पुराने बैट और बॉल पकड़कर खड़े थे. ये देखकर रंगदाम, अरे बेटा बबलू, ये तुम क्या कर रहे हो? गली क्रिकेट खेलने वाले हैं डैडी, आपके चप्पलों के साथ हमने विकेट बनाया है. हमारे पास कोई ग्राउंड या किट तो है नहीं, इसलिए ऐसे खेल रहे हैं. अगर आपको कोई आपत्ति हो तो कहिए, हम कलेक्टर साहब को अर्जी भेज देते हैं. अरे खेलो खेलो बेटा, तुम्हें रोका किसने है? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था. अरे खेलो खेलो, मजे से खेलो. फिर बबलू किट्टू और चिन्नू से, सुनो यार, अब मैं तुम्हें गली क्रिकेट के रूल्स वगैरह बताऊंगा, ध्यान से सुनो. अगर तुमने सीधा मारा तो 6 या 4 होगा, और अगर ऑन सेट में मेरे घर के अंदर या ऑफ सेट में अरुण आंटी के घर में मारा तो 6 या 4 मिलेंगे, और अगर गली के अंत में इंस्पेक्टर दत्त के घर में मारा तो आउट और नो बैक्स रन, समझे? ये सुनकर रंगदाम परेशान हो गया. वहाँ से वो चुपचाप नंगे पैर ही चला गया. उन तीनों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया. किट्टू बॉलिंग करने लगा और बबलू बैटिंग करने लगा. अरुणा अपने घर में बैठकर अपनी सहेली के साथ टीवी पर क्रिकेट देख रही थी. देखा, सुना है कि बचपन में धोनी अपनी गली में क्रिकेट खेलता था. गली में सब उसे गाली देते थे, और अब देखो उसी गली में जब धोनी जाता है तो वो लोग फूल बरसाकर उसे स्वागत करते हैं. इसलिए बच्चों को एनकरेज करना चाहिए. अब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए उन्हें डांटना नहीं चाहिए. तभी बबलू ने बॉल को जोर से ऑफसाइड की ओर मारा. वो गेंद सीधा जाकर अरुणा के घर में टीवी को जा लगा. उनके घर में टीवी टूट गई. अरे वो कौन है कम्बक जो गली में क्रिकेट खेल रहा है? रुको, अभी तुम्हारी टांग तोड़ती हूँ, तुम और तुम्हारे ये फालतू क्रिकेट. अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि गली क्रिकेट को एनकरेज करना चाहिए. अरुणा ने जीप काट ली. अगले दिन रंगधाम अपने घर के बाहर चाय पी रहा था. बबलू बॉलिंग करने लगा. किट्टू बॉल को मारने की कोशिश कर रहा था. तभी बैट किट्टू के हाथ से फिसलकर सीधा हवा में उड़ने लगी, और घर के बाहर बैठे चाय पी रहे रंगदाम के सर पर जा लगी. रंगदाम, हाय रे मैं मर गया, कहकर जमीन पर गिरा. डैडी जरा जल्दी उठकर वो बैट यहाँ देना. यूं वे तीनों गली क्रिकेट खेलते हुए लोगों के घर में बॉल मारकर उन्हें परेशान करने लगे.
एक दिन इंस्पेक्टर दत्ता रंगधाम के घर आया। क्यों भाई रंगधाम, इतने लोगों की शिकायतें आ रही हैं और तुम गली क्रिकेट खेलने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हो? माजरा क्या है? तुम्हारे इस बच्चे को देखकर हर गली में बच्चे क्रिकेट खेलने लगे हैं। अब सारा गांव एक स्टेडियम बन गया है। डैडी मैं बताऊँ वो कहानी क्या है? आपने उस दिन जो मम्मी को ग्राउंड और क्रिकेट किट के बारे में बताया था, मैंने सब सुन लिया। मैं ऐसा अंकल को एकदम साफ साफ बता दूंगा, क्यों ठीक है? अरे तू चुप रह, आप चिंता ना करो ऐसे साहब। एक ही हफ्ते के अंदर इस गांव के लिए मैं क्रिकेट ग्राउंड और बच्चों के लिए हर किस्म की सहूलियतों का प्रबंध करता हूँ। अब हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, आप चिंता छोड़ दीजिए। कुछ दिनों बाद उस गांव में बच्चे क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने लगे। बबलू और मेनका ये देखकर काफी खुश हुए।